550 जिलों के अंदर ये रैली का नियोजन लगाया गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और इस NRC और CAA जो संविधान विरोधी कानून है इसके विरोध में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमें साथियों इसके पीछे की साजिश के तौर पर ये समझना ज़रूरी है और ये सभी जो समाज और वर्ग के लोग जुड़े हैं इसके पीछे का कारण ये है कि NRC और CAA कानून सिर्फ मुसलमानों के विरोध में बताया गया लेकिन नहीं है। असल में इसके पीछे का षड्यंत्र ये है कि जो 17 करोड़ आदिवासी हैं और जो 9 करोड़ घुमंतु समाज के लोग हैं, जो लोग जिनके पास आधार कार्ड ना किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता, उनकी ज़मीन के ऊपर नाजायज कब्जा कर जबरन कब्जा करके उनको डिटेक्शन कैप में डालकर उनकी ज़मीनें अपने साहूकारों को अपने मालिकों को अडानी अंबानी को बेचने का षड्यंत्र है, ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। इसीलिए ये NRC का साजिश SC ST OBC को उनके वोट अधिकार से भी वंचित करने का एक षड्यंत्र है, ताकि जब तक उनके ऊपर इंक्वायरी बैठे और 2024 का जो इलेक्शन है इसके अंदर तकरीबन देश की करोड़ों लोगों को वोट अधिकार से वंचित करके फिर से बहुमत लाने का उनका एक षड्यंत्र है। तो सभी को NRC और CAA के विरोध में रोड पे आना पड़ेगा और बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से 29 तारीख को भारत बंद का भी आयोजन किया गया है, इसलिए सभी से निवेदन है कि उसमें भी समर्थन करें। और हमारा यही कहना है कि जब तक NRC और CAA रद्द नहीं हो जाता और लागू करने की साजिश समाप्त नहीं होती तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा और आखिरी सांस तक हम इसके विरोध में लड़ते रहेंगे। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।